पंजाब में बंपर जीत से मिले पॉलिटिकल माइलेज को भुनाने के लिए आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि इस पॉलिटिकल माइलेज को गेन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने नए नवेले पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर सबसे पहले गुजरात पहुंचे, जहां दो दिवसीय दौरे के दौरान पहले दिन केजरीवाल और भगवंत मान ने साबरमती आश्रम पहुंच गांधी जी की मूर्ति के दर्शन किए, मालार्पण किया और फिर चरखा चलाया, तिरंगा यात्रा भी निकाली जिसमें हजारों की भीड़ जुटी। तो वहीं अपनी यात्रा के दूसरे दिन केजरीवाल स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। तो वहीं इस पूरे दौरे के दौरान केजरीवाल ने गुजरात की सत्ता में लंबे समय से काबिज बीजेपी पर हमला बोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तिरंगा यात्रा के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 27 साल के राज के बाद भाजपा में अहंकार आ गया है, जनता की आवाज सुनना बंद कर दी। गुजरात को ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की आवाज सुने। हमारा मकसद भाजपा या कांग्रेस हराना नहीं, हमारा मकसद देश जीतना चाहिए, गुजरात जीतना चाहिए। दिल्ली की तरह गुजरात में भी भ्रष्टाचार दूर, जनता के काम हो। यानी केजरीवाल गुजरात जीतने के लिए वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जो उन्होंने पंजाब में अपनाया था, वही अंदाज, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वही तेवर और जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का वादा। केजरीवाल के इसी कलेवर ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ी जीत दिलाई और सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल का ये प्लान गुजरात में काम करेगा? आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और गुजरात की सभी 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने का ऐलान कर चुकी है और गुजरात का किला फतेह करने की जिम्मेदारी पंजाब की जीत के नायक आईआईटी के प्रोफेसर रहे और अब पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को सौंप चुकी है। और माना यही जा रहा है कि केजरीवाल का ये दो दिवसीय दौरा संदीप पाठक के ही गुजरात प्लान का हिस्सा है। खैर, ये प्लान जमीन पर कितना उतर पाता है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।